ये सीधा रोड जा रहा है मुजफ्फराबाद की तरफ, तो हमारा सफर स्टार्ट हो गया मुजफ्फराबाद के लिए इंशाल्लाह। और मैं आपको एक और बात बता दूं भाई, हवा की वजह से आवाज़ में को थोड़ी परेशानी हो रही हो, तो उसके लिए माजरत है बहुत, लेकिन एंजॉय करें आप हमारे साथ। आप देखें व्यूज वगैरह देखें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के व्यूज बहुत औसम होते हैं। आप देख सकते हैं सामने आपको नजर आ जाओगे औसम व्यू। शरीफ पढ़ लें गुरु शरीफ अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा सफ़र स्टार्ट मुजफ्फराबाद के लिए, और ये बहुत खतरनाक आ रही है। क्या कर रहे हैं यार, सफ़र भी तो करना है। ऑलरेडी हम दो तीन दिन लेट हो चुके हैं। असल में सिंध जो है पूरा बंद पड़ा हुआ है ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है। आप ब्लॉग में पता चल जाएगा कि कितना जाम है ट्रैफिक, ठीक है। ड्राइव कर रहे हैं भाई, इनके ये बैक साइड नजर आ सकता है, फ्रंट अभी नहीं दिखा सकता फिलहाल। ये चढ़ाई से हम नीचे उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आगे जो हमारे जा रहे हैं वो जा रहे हैं भाई कामरान भाई और वसीम नियाजी भाई, और हमारी जो दो गाड़ियाँ हैं वो पीछे आ रही है हमारे। नीचे उतरते हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, और मुजफ्फराबाद में आपको बता दूँ अभी भी जो है 69 किलोमीटर बाकी है। बस भाई इंशाल्लाह 69 किलोमीटर भी हो ही जाएगा, क्योंकि जब इतना लंबा सफ़र अल्लाह पाक की मदद से तय हो चुका है तो अभी क्या है 69 किलोमीटर। बाकी आप व्यूज चेक करें आगे। टर्न बड़े खतरनाक होते हैं भाई, इन टर्नों के ऊपर जो है बहुत देखभाल करके जो है ना गाड़ी उतारनी पड़ती है, क्योंकि मन में चल रहा है देखें अब हमारे पीछे को एक गाड़ी आ गई कैसा रखता होगी। ये वाली गाड़ी है आपको नजर आ रही होगी, बिल्कुल इसने पीछे आते ही जो है ना हॉर्न दिया, तो इस चीज़ से भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए इंसान को। ये सिंगल रोड चल रहा है ना, कहें किसी हादसे का बाइस बन जाए, इससे बेहतर है कि एहतियात करते हुए ड्राइव करें, अपनी सुकून से करें। चाहे आपको अगर एक घंटे में पहुंचना हो, आप भले दो घंटे में पहुंचे मसला नहीं है, या सफ़र की दुआ लाजमी पड़ा करें जब भी सफ़र अपना स्टार्ट करने लगे, मुश्किल पड़ा करें बेहतर कुर्सी पढ़ के दम करा करें अपने ऊपर। और एक और बात मैं आपको वाजे करूँ कि ये देखिए थोड़ा रोड ख़राब आ गया है, ये थोड़ा सा और रोड ख़राब आ गया। अच्छा मैं आपको एक और बात में वादे करूं कि यहाँ पे ना जगह जगह बोर्ड लगे हुए लैंडस्लाइडिंग के बोर्ड लगे हुए कि यहाँ पे एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि यहाँ पे ना लैंडस्लाइडिंग भी बहुत होती है। तो भाई जो भी इधर आए मुजफ्फराबाद की तरफ या मरी की तरफ या
नारायण कावान की साइड पे, कश्मीर की साइड पे, तो भाई बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि अभी बारिशों का भी सीजन चल रहा है और अभी थोड़े दिन पहले सैलाब वगैरह की सूरत हाल थी, तो उससे सैलाब की सूरत हाल थी, तो उससे भी जो है भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, मिट्टी नरम हो जाती है पहाड़ की और आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो भाई बहुत एहतियात करके, आप सबसे गुजारिश है कि बहुत एहतियात करके ड्राइव करें।
तो भाई अब नींद के बाद है ना, हम सबका बहुत बुरा हाल हो रहा था, तो अभी सब ने डिसाइड करा कि भाई यहाँ पे लगाते हैं हम कैंप और थोड़ी देर आराम करते हैं। आप ये देखें यहाँ का व्यू चेक करें भाई, आबशार भी भेरी आपको नजर आ रही होगी, ये देखें आप आबशार भेरी है। कामरान भाई वीडियो बना रहे हैं माशाल्लाह, और मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा दूँ, सुभान अल्लाह। ये है कि अब भाई थोड़ी सी कैंपिंग करेंगे यहाँ पे, एक डेढ़ घंटा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपने मंजिल की तरफ दोबारा रवाना इंशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी जो है वीडियो में कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है हमारा ट्रिप, ठीक है। तो आप लोग भाई लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक लाजमी करें, वीडियो को शेयर करें, और दूसरी बात ये कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करें, ठीक है। यहाँ पे देखें पीछे पूरे दरख्त ही दरख्त हैं, ऊपर तक कितने लंबे लंबे दरख्त हैं। ये कैंप हमारा आ गया भाई, देखें ये अब्दुल समद भाई और कामरान भाई लगा रहे कैंप। ये कहाँ झुकेंगे यार मालिक, कांटे वाले नहीं इसमें, कांटे थोड़ी यार, कांटे वाले पेड़ नहीं होते भाई। See the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. भाई अभी हम लोगों ने कैंप वगैरह लगा के कैंपिंग करी थी यहाँ पे, मैंने आपको जगह दिखाई और सुकून मिल गया, अल्लाह का शुक्र है, फ्रेश हो गए, नींद करी हमने खूब मंड के नींद करी और अभी उठे, अजान हो रही थी, मैं समझा शायद असर की अजान हो रही है, तो मैंने एक सवाल करा, मैंने बोला भाई अभी यहाँ से पीर सनासी जाएंगे ऐसा ना अंधेरा हो जाए, तो बोला भाई अभी टाइम क्या हो रहा है, मैंने टाइम तो कन्फर्म नहीं है, टाइम देखो तो पौने दो हो रहे थे, 1:45, तो मैंने ना है तो भाई ने बोला भाई क्या अभी तो दोपहर हो रही है, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, बोले मैंने बोला चलो बस सही, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम का पता नहीं चलता, आप देखें वेदर कितना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह, तो यहाँ पे ज़्यादातर टाइम का पता नहीं चलता। अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ निकलेंगे मुजफ़्फ़राबाद इंशाल्लाह, और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे, एक पॉइंट है पीर चनासी के नाम से, वहाँ पर इंशाल्लाह जाएंगे, वो भी आपको मैं लाजमी दिखाऊँगा इंशाल्लाह।
बाकी बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, अब फ्रेश होगा बिल्कुल, सोके उठ गए बिल्कुल फ्रेश होगा, और अब इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे, सारी तैयारियाँ कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब हमें निकलना है क्योंकि अब हम काफ़ी देर माशाल्लाह आराम कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। और भाई ट्रैवल में आराम लाजमी है, ज़बरदस्ती गाड़ी चलाना, नींद आ रही है गाड़ी चलाना, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है ना, तो इसलिए भाई अब हमने सोच लिया कि अब जहाँ भी थकन होगी ना वहाँ बस अपना कैंप लगाएंगे और उसके अंदर सो जाएंगे, आराम करेंगे, सो जाएंगे। तो भाई अब आप हमारे साथ रहें और हमारा सफ़र देखें, आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं, ठीक है भाई। तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ।